2022 का छठा मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीजन में पहली बार भिड़ने उतरे। आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला कर लिया। पावर प्ले में ही केकेआर के 3 विकेट भी गिर गए। श्रेयस अय्यर की टीम इन शुरुआती झटकों से अंत तक नहीं उबर पाई। 18 गेंदों में 25 रन बनाकर आंद्रे रसल केकेआर के टॉप स्कोरर रहे, जबकि आरसीबी के लिए वानिंदु हसरंगा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट निकाले, जबकि आकाशदीप के खाते में 3 विकेट रहे। कोलकाता मात्र 128 रन बनाकर ऑल आउट हुई। यहां से मामला पूरी तरह से आरसीबी के पक्ष में दिख रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। श्रेयस की कप्तानी में केकेआर ने मैच को आखिरी पलों तक खींचे रखा। पहले ओवर की 3री गेंद पर कोलकाता के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने आरसीबी के ओपनर अनुज रावत को आउट कर दिया। फाफ डु प्लेसी और विराट कोहली भी जल्दी ही आउट हो गए, लेकिन फिर आए शहबाज अहमद और उन्होंने 3 छक्के मार मैच को आरसीबी की ओर झुका दिया और फिर दिनेश कार्तिक ने बचा हुआ काम निपटा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ये मुकाबला 3 विकेट से अपने नाम कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच रहे आरसीबी के स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने मैच के बाद अपने सेलिब्रेशन का राज खोलते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ। मैदान परोस थी, जिसके कारण गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण था। विकेट लेने के बाद मैं जिस तरह से जश्न मनाता हूँ, वो दरअसल मेरे प्रिय फुटबॉलर नेमार का स्टाइल है। मैं उनको कॉपी करता हूँ। वही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने जीत के बाद कहा, बहुत खुश हूँ, अच्छी जीत थी। जाहिर तौर पर छोटे स्कोर को चेज करते हुए आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं और चीजें बाद के लिए छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनके सीमर्स ने अच्छी बॉलिंग की। आज गेंद स्विंग कर रही थी, पिच में बाउंस और सीम दोनों थी। 2-3 दिन पहले 200 बनाम 200 थे, तो आज 120 बनाम 120 एक आइडल वर्ल्ड में हम और बेहतर तरीके से जीतते तो सही रहता, लेकिन जीत तो जीत है। हमारी टीम के गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और उनकी टीम से भी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। अंत में दिनेश कार्तिक के अनुभव ने मदद की, एकदम कूल रन कभी भी बहुत दूर नहीं लगे। वो आखिरी 5 ओवर्स में इतने कूल थे जितने MS धोनी हो सकते हैं। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस हार के बाद भी अपनी टीम की तारीफ की। उन्होंने कहा, हमारी बल्लेबाजी के बाद मुझे ये खेल बहुत ही रोमांचक लगा। मैंने अपनी टीम को यही कहा कि हम इस मैच को जीत पाए या नहीं, लेकिन यहाँ पर हम जैसा खेलेंगे वो हमारे आगे के कैरेक्टर को तय करेगा। हमें अपना बेस्ट देना ही होगा। यही कारण रहा कि मैंने बेहद किफायत से गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। आखिर में वेंकटेश तक को गेंदबाजी करने के लिए उतारा। बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का अगला मुकाबला 5 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स से होगा। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स 1 अप्रैल को पंजाब किंग्स का सामना करेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।